40वें दिन रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कीव के आसपास के बूचा समेत कई इलाकों में 410 यूक्रेनियों के शव मिले हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने राज ठाकरे के मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले देखिए कौन से भाजपा शासित राज्यों में अजान बंद करवाई गई है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं, यह महाराष्ट्र है जहां देश के कानून का पालन किया जाता है। कश्मीरी पंडितों के नए साल यानी नवरेह के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, चरम पंथ के कारण आप लोगों को कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा, लेकिन अब आप हिंदू और भारत भक्त के रूप में वापस जाएंगे। अपने संबोधन में उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की बहुचर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने दो प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी। दोनों की पहचान धीरज दत्त और सुरिंदर सिंह के रूप में हुई। उन्हें नजदीकी CHC में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हमले के बाद से पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 1000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 913 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1316 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 14 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 49,18,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 61,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.30 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यात्री जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। IPL 15 का 12वां मुकाबला आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। IPL में हार के साथ डेब्यू के बाद लखनऊ ने अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के 211 रनों का विशाल टारगेट चेज कर अब अपनी बारी है कि टैग लाइन को सही साबित किया था। भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल के शुरुआती सप्ताह के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी और इस दौरान तेज आंधी एवं बिजली गिरने की भी संभावना है। क्रूड ऑयल की कीमत भले ही $100 प्रति बैरल के करीब आ गई हो, लेकिन इंडियन मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत आज 40-40 पैसे बढ़ाई गई है। इसी के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 103.81 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं डीजल के दाम बढ़कर 95.07 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 488 पॉइंट की बढ़त के साथ 59,764 पर खुला। वहीं NSE का निफ्टी भी 140 अंकों की बढ़त के साथ 17,809 पर खुला। सबसे ज्यादा बढ़त HDFC, बजाज फाइनेंस, टाइटन, एशियन पेंट्स के स्टॉक्स में दिखी। बैंक के शेयर्स में तेजी और ऑटो में गिरावट रही।